अनवर फारूखी और अंकिता ने कैमरा की तरफ देख के अपना खाना दिखाया है कि एटलीस्ट मेकर्स को और बिग बॉस को थोड़ा सा तरस जो है इन घर वालों के ऊपर आ जाए। मैंने तो ऐसा कोई सीजन देखा नहीं है कि बिग बॉस ऐसा कंटेस्टेंट के साथ करे। क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है? हाँ, बिग बॉस ने सताया बहुत है राशन के लिए, पर ऐसा भी इस घर में नहीं हुआ कि ये लोग दाल में पानी डाल डाल के, मसाला डाल डाल के दाल पीने बैठ जाएं, क्योंकि राशन नहीं है, घर में कोई चीज़ नहीं है जिससे ये प्रोटीन ले पाएं और जिससे ये अपना दिमाग चला पाए। पूरे पूरे बिग बॉस 17 के घर का हालत यही हुआ है, जहां पर थोड़े से बीन्स जो है पड़े थे, मुनावर फारूखी और अंकिता ने ये मनारा ने मिलके जो है बना लिए। दाल थी, दाल बहुत पानी जैसा बनाई है, कैमरा की तरफ देख के ये बोलते कि हमारे पास इतना ही है, हमें ये पूरा दिन जो है वो चलाना है। हालांकि घर वाले जो है बहुत हंस के इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। अगर इसकी जगह पर पिछले सीजन वाले होते तो वो तो काफ़ी बड़ा बवाल कर देते और रोने लग जाते, सिंपत्ति करने लग जाते, पर ये लोग बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और इनको भरोसा है कि बिग बॉस बहुत जल्दी जो है राशन दे देंगे। एक ग्रैटिट्यूड होता है ना, वो चीज़ जो है इनमें दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पर बिग बॉस के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है कि भाई अगर आपको अपना कंटेंट चाहिए, जो कि एक्चुअली में ये कंटेस्टेंट दे रहे हैं, लोग इनको पसंद कर रहे हैं बिकॉज एक नेचुरल चीज़ें जो है इस बार देखने के लिए मिल रही है, फिर भी बिग बॉस इनको खाने के लिए क्यों सता रहा है, दाल पीने के लिए क्यों मजबूर कर रहा है। इवन अभिषेक ये भी कहता हुआ नजर आया कि और कुछ नहीं तो दाल चावल भेज दो बिग बॉस, हम वो ही खा के रह लेंगे। तो सोचो अगर कोई और होता तो ये बात बोलता, शालिन जैसा, मेरे को तो चिकन चाहिए, चिकन ही उसका नाम पड़ गया था। तो ऐसे लोगों के साथ निकल के आया है बिग बॉस, तो ऐसे जो कि इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, इतने नेचुरल और रियल हैं ये लोग, उन लोगों को ये खाना तक नहीं दे रहा तो गुस्सा तो आएगा। जनता को आवाज उठानी चाहिए इस चीज के ऊपर और बिग बॉस को बोलना चाहिए। क्या कहते हैं आप, क्या आप देंगे मेरा भी साथ? इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।